लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट डेसिमल नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर फाइन। सो टुडे डिस्कस अबाउट डेसिमल्स ऑफ एक्सरसाइज 2.5, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डेसिमल नंबर। यू नो वेरी वेल व्हाट इज डेसिमल नंबर। सो डेफिनेशन इज इफ ए पॉइंट, इट मीन्स डॉट। If a point is between two digits, so that number is known as a decimal number. Example 2.5, yet how to speak 2.5, you have a 2.5, right? 2.057 78.66, right? Yeah, otherwise 78.66. Okay, so this kind of we will speak. Or after decimal, single digit should be speak. रिमेंबर दिस थिंग, ओके? यानी डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में स्पीक करना है, करेक्ट? देर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। फर्स्ट इज लाइक डेसिमल एंड सेकेंड इज अनलाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल क्या होता है कि यानी कि डेसिमल के आफ्टर डेसिमल डिजिट शुड बी सेम, ओके? नंबर ऑफ डिजिट शुड बी सेम। तो यहाँ पे 5, 7 टू डिजिट है, हेयर ऑल्सो टू डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल टू डिजिट, हेयर ऑल्सो टू डिजिट आफ्टर डेसिमल। इट मीन्स दीज नंबर्स आर द लाइक डेसिमल, ओके? अनलाइक डेसिमल, फिर अनलाइक डेसिमल क्या होंगे? अनलाइक डेसिमल दिस 2.57, आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स? नंबर ऑफ डिजिट आर 2, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट, हेयर 3 डिजिट एंड हेयर 4 डिजिट। इट मीन्स दीज नंबर्स आर या दीज डेसिमल नंबर्स आर द अनलाइक डेसिमल, ओके? यानी डेसिमल के बाद में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम देन कॉल्ड लाइक। इफ आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट देन दिस इज नोन एज अनलाइक डेसिमल, राइट? अब हम बात करते हैं नंबरिंग सिस्टम का। तो 891, हाउ टू स्पीक? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली, 891.7431, ओके? आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट स्पीक। तो दिस नो यू नो व्हाट इज व्हाट वी कॉल्ड, यानी बिफोर सिंबल हाउ टू स्पीक। दिस इज द वंस डिजिट, दिस इज द टेंथ डिजिट, दिस इज 100 आफ्टर 1000, 10000 एंड सो मच, सॉरी दिस काइंड ऑफ गोइंग ऑन, ओके? बिफोर डेसिमल यानी कि इस डेसिमल के बाद में क्या आएगा, यानी कि इस डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? टेंथ, TENTHS, टेंथ। दिस डिजिट कॉल्ड हंड्रेड्स, दिस थाउजेंड्स एंड दिस 10,000s, ओके? सो हम अगर हम बात करते हैं इसकी तो हाउ टू स्पीक। अगर हम इसका क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं या एक्सपांड करते हैं, तो वंस डिजिट मल्टीप्लाई विद 1, टेंथ डिजिट मल्टीप्लाई विद 10 एंड 100 डिजिट मल्टीप्लाई विद 100। और टेंथ को 1/10, यहाँ पे वैल्यू 7 है तो 7/10, 4/100, 3/1000, 1/10,000, ओके? दिस काइंड ऑफ यू हैव टू राइट इन एक्सपेंशन, ओके? नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5, विच इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो 0.5 और 0.05। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस जीरो से, यानी बिफोर डेसिमल। तो बिफोर डेसिमल यहाँ पे जीरो है, बिफोर डेसिमल ऑल्सो जीरो है। तो यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो जीरो और दिस जीरो इक्वल, यहाँ पे ये वाला जीरो और ये वाला जीरो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब हम बात करते हैं आफ्टर डेसिमल। After decimal here is 5 और here 0, तो which one is greater, which both are equal or greater? 5 is greater, it means यानी कि ये वाला 5 greater है, इसका मतलब ये वाला part, ये वाला जो decimal number है ये greater होगा इस number से। यानी कि हमें each digits हमें comparison करना है before decimal और after decimal। If before decimal our digits are same then check for the after decimal values। अगर after decimal values are same और उसके बाद में अगर डिफरेंट है तो जो बड़ी है वो नंबर, वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा, राइट? तो विच वन इज ग्रेटर अकॉर्डिंग टू दिस? 5 इज ग्रेटर, तो यानी कि ये वाला बड़ा हुआ, तो 0.5 इज ग्रेटर देन टू 0.05, ओके? इन 7 और 0.7 विच वन इज ग्रेटर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डेसिमल कहाँ है। इन 7 में वेयर इज डेसिमल? तो बिफोर 7 नॉट कम, अगर यहाँ पे बिफोर 7 आएगा तो यहाँ पे शुड बी डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए। अगर 7 अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है, इसका मतलब 7 के आफ्टर, यानी 7 के बाद में। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे 7 और 0 में, राइट? तो विच वन इज ग्रेटर, 7 और 0? तो 7 इज ग्रेटर, इट मीन्स विच वन इज ग्रेटर?
7 is greater than to 0.7. Okay, so this is the correct answer. Next question, question number second, ki express as rupees as a decimal, yani in rupees ko kis mein convert karna hai, decimal mein convert karna hai. So first of all 7 paise, so 7 paise convert into rupees. So how to convert? First of all we know that what ki in 100 paise is equals to how many rupees? 1 rupees. यानी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे? 1 पैसे इज क्वेश्चन टू 100 का डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 1/100 रुपीज. गोट इट? अब यहाँ पे 1 पैसे, तो 7 पैसे में पूछा, तो 7 पैसे में कितने होंगे? 7 पैसे इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई विद 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 7 1 7, 7/100 इज 7 में 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0, यानी कि 2 0 हैविंग, यानी 1 and 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल, इट मीन 0.07 रुपीज, अदरवाइज 0.07 ऑल्सो करेक्ट आंसर, राइट? तो 7 पैसे इज इक्वल टू 0.07 रुपीज. ओके, दिस ऑल्सो कन्वर्ट, 77 रुपीज इज इक्वल टू 77 पैसे, यानी कि दिस इज ऑलरेडी गिवन इन रुपीज 77, दिस 77 पैसे कन्वर्ट इन टू रुपीज. सो हाउ टू कन्वर्ट? सेम एज इट इज, वी नो दैट वाट वी नो डैट कि इन 100 पैसे इज क्वेश टू 1 रुपीज. सो 1 पैसे इज क्वेश टू 1 पैसे में कितने होंगे? 1/100, करेक्ट? तो कितने पूछे यहाँ पे? 77 पैसे, तो 77 पैसे में कितने होंगे? 77 पैसे इज क्वेश टू 1/100 इंटू 77, करेक्ट? तो 77/100, हाउ मेनी 0 इन 100? 2 0, तो 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल, तो कितना आ जाएगा? 0.77, यानी 20 इन डिनोमिनेटर, तो इन न्यूमरेटर 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल, तो 0.77 रुपीज यहां से. अब टोटल कितना हो गया? 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज. तो आफ्टर एडिंग व्हाट कम? 77.77 रुपीज. ओके, तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन सॉल्यूशन ऑल्सो थर्ड पार्ट. ओके, so I hope you are understand how to convert this rupees into या फिर this paise into rupees. Okay, next question, question number third, express 5 cm in meter and kilometer, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है. तो सेम एज इट इज, वी नो डैट, क्या हम जानते हैं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? कि 100 cm इज इक्वल टू 1 मीटर, कि 100 cm में 1 मीटर होता है, तो 1 cm में कितना होगा? 1/100 का डिवाइड कर देते हैं, 1/100 मीटर, तो 1 cm इज इक्वल टू 1/100 मीटर. सो हाउ मेनी मीटर इन 5 cm? सो 5 cm के लिए फाइंड आउट करो, तो क्या करेंगे? 1/100 मल्टीप्लाई विद 5, इस 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 1 इज 5, तो 5/100 कितना आ जाएगा? 5/100 इज हाउ मेनी 0? 2 0, तो 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल, यानी 1 डिजिट 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल, राइट? अगर 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यू कैन पुट 0, यहाँ पे 0 ही पुट करना है, राइट? तो 0.05, अदरवाइज 0.05 मीटर. ओके, नाउ दिस इज मीटर, मीटर कन्वर्ट इन टू किलोमीटर. अब वी नो डैट कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 1000 का डिवाइड कर देते 1/1000 किलोमीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 0.05 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो 0.05 मीटर इज इक्वल टू 0.05 या मल्टीप्लाई विद 1 इज सेम अपॉन 1000, करेक्ट? तो 0.05 इज इक्वल टू हाउ मेनी 0? 1 2 3, इट मीन 3 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल, यानी 2 डिजिट ऑलरेडी हैविंग हियर 0.05, अब 3 डिजिट यानी 30, तो 3 डिजिट शुड बी हियर बिफोर आफ्टर डेसिमल, तो यानी कि कितने हो जाएंगे यहाँ से? 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल एंड हियर पुट 0, तो 0.00005 किलोमीटर इन 0.05 मीटर या ओनली 5 cm. तो इन 5 cm इज क्वेश्चन टू 0.05 मीटर इज क्वेश्चन टू 0.05
0.00005 kilometer. Okay, so this kind of we have done this question number 3. Okay, I hope you also understood. So you will do more and more practice. Okay, जब तक आपको समझ में नहीं आता आपको इसी तरीके से practice करते जाना है. Okay, अगर फिर भी आपको problem आती है तो you can ask on me on WhatsApp number. Clear? Now question number 4th. Express in kilogram. This is given in gram, kilogram in gram. You will convert in kilogram. So how to convert? So we know that same as it is we have done question number 2nd and 3rd. So as it is 4th also you will solve. How to solve? Ki we know that hum jante hain ki in 1000 gram is equals to 1 kilogram. Yani 1000 gram mein kitne kilogram hote hain? 1 kg. Right? Otherwise in 1 kilogram is 1000 gram. So in 1 gram is equals to 1 upon 1000. Right? 1 upon 1000 kilogram. So 1 gram mein itne hote hain. To poochha kitne ke liye? 200 gram ke liye. To kitna aayega? 200 gram is equals to 200 into 1 is 200 upon 1000. Right? So how many zero here? 3 zero. So 3 to kitna aayega se? 3 digit before put a decimal. So 1, 2, 3. 3 digit before put a decimal. It means 1, 2, 3 decimal. Okay? Otherwise, हम इसको और क्या आ सकता 0.2 kg also. Otherwise, 0.200 kg also. तो both are correct answer. Okay? After 2, we can put 0. Doesn't matter. But before 2, we can't put 0. जबरदस्ती 0 put नहीं कर सकते. Right? In 4 kg, 8 gram, also you will try to solve. Okay? Next question I will solve. Decimal number in the expanded form. इस decimal number को expand करना है. Right, so how to solve? जैसे कि हमने अभी थोड़े पहले इसमें discuss किया था, यानी किसके बारे में बताया था कि how to write. So same as it is for this, expand करना है. So this is one digit, this is tens digit, after decimal this is tens or this is hundreds. Okay, so how to expand? So first of all this is tens digit multiply with 10 always, put inside of the bracket, plus sign, 0 multiply with ones. Okay, plus यहाँ पे प्लस आ जाएगा अब 0.0 यानी हाउ टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ टेंस. तो टेंस हाउ टू राइट 1/0 1/10. तो 0 मल्टीप्लाई 1/10 गॉट इट प्लस नेक्स्ट 3 इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट 3 इनटू 1/100 इज द एक्सपांडेड फॉर्म. ओके सो आई होप यू आल्सो अंडरस्टूड. अगर आगे इसको सॉल्व करना ये दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर आगे इसको सॉल्व करना है और थोड़ा सॉर्ट करना है सिंपल करना है तो मल्टीप्लाई 2 टेन 20 प्लस 0 1 0 प्लस 0 1 0 0 अपॉन 10 इज 0.0 क्लियर प्लस 3 1 3 3 अपॉन 100 इज 0.03 3 अपॉन 100 टू डिजिट 20 तो 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल. अगर हम इनको ऐड करेंगे 20 प्लस 0 इज 20 20 प्लस 0.0 तो 20.0 एंड 20 प्लस 0.03 इज 20.03. ओके अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वापस से यही आंसर मिलेगा. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दिस आल्सो 200.03. सो हाउ टू राइट एक्सपांडेड फॉर्म दिस इज वंस टेंस 100 तो 100 it means 2 multiply with 100 plus this second is tens so 0 into tens is multiply with 10 plus this is the ones digit 0 into 1 plus this is the tens term so tens how to write 0 into 1/10 plus this how to write 3 into 1/100 1/100 is hundredths right so this is the expanded form. Okay next question question number 6th write the place value of 2 in the following decimal number. 2.56 is a decimal number so yahan pe 2 ki place value batani hai to ye this is the ones digit yani ki before 2 before decimal having 2 right so 2 is a ones digit to ones digit par 2 hai yahan pe to how to write the place value of 2 in 2.56 is ones this is the ones ye yahan pe kahan hai yahan pe ones or this is 10 to the place of tens digit right इसमें 2 कहां पर यहां पे हंड्रेड्स डिजिट में 63.352 इसमें कहां है यहां पर है तो दिस इज द टेंस हंड्रेड्स और दिस इज थाउजेंड्स राइट तो यहां पे आ जाएगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 63.352 इज हंड्रेड्स. ओके
तो मैं इसके लिए लास्ट के लिए लिख देता हूं, बाकी आप इन दोनों के लिए राइट कर लेना सेम एज इट इज. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 63.352 इज टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स. तो यहां पे आ जाएगा थाउजेंड्स, टी एच ओ यू एन डी टी एच, ऐसा लगा दो राइट थाउजेंड्स. सो सेम एज इट इज राइट फॉर दिस ऑल्सो. ओके लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड रिमेन्स क्वेश्चन यू विल डू सॉल्व बाई योर सेल्फ. ओके दीज आर द वेरी सिंपल क्वेश्चन. श्यामा बोट 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल एंड 3 केजी 250 ग्राम मैंगोज राइट. तो श्यामा ने क्या खरीदा था, इतने किलो एप्पल और इतने किलो मैंगो. सरला बोट 4 किलो 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनाना. तो सरला ने क्या क्या खरीदा, ऑरेंज एंड बनाना. तो हु बोट मोर फ्रूट्स, तो ज्यादा फल किसने खरीदे, तो किसने खरीदे, तो श्यामा और सरला ने के हम, पहले हम इनको सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करेंगे कि टोटल वेट कितना कितना है और फिर उसके बाद किसका ज्यादा है राइट. तो श्यामा बोट इतने केजी एप्पल और इतने केजी मैंगोज. तो फ्रूट्स बोट बाय श्यामा इज 5 केजी एप्पल एंड 3 केजी 250 ग्राम मैंगोज. तो दोनों को ऐड कर देंगे. तो हाउ टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, 5.300 इट मीन 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल, 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज. आफ्टर एडिशन 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 5 इज 5, 3 प्लस 2 इज 5, डेसिमल एज इट इज 5 प्लस 3 इज 8, यानी 8 किलोग्राम 550 ग्राम. ओके तो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो वी कैन राइट. तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके नेक्स्ट, फ्रूट्स बॉट बाय सरला 4 केजी 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 केजी 150 ग्राम बनाना. तो दोनों को हम ऐड कर देंगे. तो 4.800 यानी 4 केजी 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनाना. तो आफ्टर एडिशन 0, 0, 0, 0 प्लस 5 इज 5, 8 प्लस 1 इज 9, डेसिमल एज इट इज 4 प्लस 4 इज 8 राइट. तो हाउ टू स्पीक 8 किलोग्राम 950 ग्राम. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो विच वन इज ग्रेटर. तो यहां से कितना 8.550 एंड हेयर 8.950. तो कैसे कंपेयर करेंगे, सेम जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया था. यानी सबसे पहले इस 8 को इस यानी डेसिमल बिफोर डेसिमल हमें चेक करना है. यानी वंस डिजिट चेक फॉर दिस नंबर, वंस डिजिट 8 इक्वल सेम. नाउ चेक फॉर दिस 5 एंड 9, तो विच वन इज ग्रेटर, 9 इज ग्रेटर, इट मीन्स दिस पार्ट इज दिस डेसिमल नंबर इज ग्रेटर देन टू दिस नंबर राइट. तो हैंस ये किसके लिए है, सरला के लिए है. ये किसके लिए, सरला के लिए राइट, सरला. तो हैंस सरला बोट मोर फ्रूट, यानी कि सरला ने ज्यादा फल खरीदे थे. ओके तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन दिस एक्सरसाइज. ओके सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कंप्लीट एक्सरसाइज एंड यू विल डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी. ओके ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे.